अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई आज हमारा दूसरा दिन है पोखरा में और हम लोग जो हैं यहाँ से जा रहे हैं अभी बाहर और आपको लेक दिखाएंगे पीछे। और लेक के साथ साथ हमारी कोशिश होगी कि हम लोग जाके वो पहाड़ जो पीछे नज़र आ रहा है ना आपको, वो पहाड़ ये वाला यहाँ पे होती है पैराग्लाइडिंग। तो कोशिश करेंगे कि अगर हमारे वज़न के साथ पैराग्लाइडिंग हो जाती है तो फिर हम जाके उनको बोलेंगे कि हमें ये पैराग्लाइडिंग करा दो। तो चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको झील दिखाते हैं और पैराग्लाइडिंग की वीडियो ज़रा हम अलग बनाएंगे अगर हमारी हो जाती है बात आज या कल में। चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। वो देखें आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें पहाड़ पे ऐसे आप, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखें ये जो नज़र आ रहे हैं उड़ते परिंदे, ये परिंदे दरिंदे नहीं हैं, ये सारे इंसान हैं और ये सब जो हैं पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। पैराग्लाइडिंग क्या होती है वो देखियो कि बड़ी वीडियो वायरल। भाई उतार दे भाई, 150 ज़्यादा ले ले उतार दे। ये वही हो रहा है यहाँ पे, ये यहीं पे हुआ था वो सब। ये देखें जी, ये पोखरा का मेन बाज़ार है, मेन रोड है और यहाँ पे करने के लिए भाई हमने पता किया बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। पैराग्लाइडिंग है, अल्ट्रा लाइट फ्लाइट है जिसमें आप एक छोटा सा वो प्लेन टाइप का होता है उसमें आप बैठ के जो है आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैकिंग है, वाटरफॉल है, केबल कार है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने के लिए, मैं तो पता ही नहीं था। करेंसी हमने चेंज करवा ली है। अच्छा, हम लोग जब पाकिस्तान से आए थे ना तो पाकिस्तान से हम लोग पहले से ही डॉलर बाय करके ले आए थे। मतलब आप लोग जैसे टूर पर जाएँ तो तकरीबन अपने पास कम से कम 1000 डॉलर तो रखें। जब आप लोग ये दुबई या इधर नेपाल आएँ तो कम से कम 1000 डॉलर, वरना ज़्यादा तो रखें, बच जाएंगे तो वापस ले जाइएगा। कोशिश करें कि खर्चा देख के करें, क्योंकि डॉलर आपके पास होंगे तो वो ज़ाया थोड़ी होते हैं, वो आपके पास सेफ ही रहते हैं। जब आप जाएँ वापस तो साथ अपने ले जाएँ और जाके जो भी डॉलर रेट होगा वो दे के। ऑब्वियसली डॉलर जो हमने लिया था तो उस टाइम पे था 201 रुपये का डॉलर, और अभी सुना है कि पाकिस्तान में डॉलर हो गया है 207 रुपये का। तो अभी जो हमने यहाँ से डॉलर चेंज कराया है वो हम लोगों को पड़ा है 200 डॉलर में, जो हम लोगों ने काठमांडू से कराया था वो हम लोगों को पड़ गए थे 200 डॉलर के, हमें मिले थे 25,000 नेपाली करेंसी। और जो हमने अभी पोखरा से कराए हैं तो हमें पड़े हैं 200 डॉलर के 24,600। तो थोड़े से डॉलर की करेंसी रेट थोड़े से चेंज हुए हैं, नीचे आए, लेकिन पोखरा से मत कराइए। जब भी आएँ आपने काठमांडू से ही रेट जो है उसके लेके चेंज करवाएं। अभी हम लोग बस नाश्ते के लिए जा रहे हैं, नाश्ता करके फिर हम लोग केबल कार में जाएंगे। एक इरादा हो रहा है पैराग्लाइडिंग का, ये पैराशूट में सारे इसमें बैठ के और फिर आप यहाँ से पैराग्लाइडिंग करते हैं। हमने गोल्डन मैन जो है इस्लामाबाद में देखा था, यहाँ भी हमें मिल गए हैं भाई। लेक के बिल्कुल सामने खड़े हैं और यहाँ पे लेक की ये वो पॉइंट है जहाँ पर आप यहाँ से बोट या डिफरेंट किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ से लेके यहाँ पर घूम सकते हैं। यार वो पहाड़ कहाँ है नज़र नहीं आ रहे। वहाँ पीछे ये जो एरिया ना, यहाँ पहाड़ हैं सारे, उनका रिफ्लेक्शन यहाँ लेक में पड़ता है। पूछते हैं हम लोग अभी कि यहाँ पे जो ये लेक है इसके ऊपर ये बोटिंग करने के क्या चार्जेस लेते हैं यहाँ से। और वहाँ सामने वो देखें, यहाँ पैराग्लाइडिंग वहाँ ऊपर हो रही है। अभी हम लोग चेयर लिफ्ट से, और सॉरी चेयर लिफ्ट नहीं है, जो केबल कार है उससे हम लोग ऊपर तक जाएंगे टॉप पे और फिर आपको टॉप व्यू दिखाते हैं। लेकिन ये वाली जो वीडियो है आपको लेक व्यू करवा के ये एंड करेंगे और फिर अगले वीडियो के अंदर आपको जो है केबल कार दिखाएंगे। लाइव जैकेट हमने पहन लिया, ठीक है, और ये वाला बोट हम लोगों ने देख रहे हैं, ये पेडल वाला बोट, और ये भाई हमें साथ मिला है 950 रुपये नेपाली में, ठीक है। तो अब हम जाके बोट में बैठ रहे हैं और ये हमें सारा जो है 1 घंटे का टूर है ये देंगे और वापस लाके हम फिर यही छोड़ेंगे। बोट में बैठते हैं, मालसी के अंदर बैठ गए भी हम लोग, सही है ना। ये भाई हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? प्रदीप। हाँ, ये बोट आगे से उड़ क्यों रहा है? इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है। अच्छा, इधर ज़्यादा है, इधर तो कुछ ज़्यादा ही है। मैं भी चलाऊँ साथ आपके? ठीक है, नहीं चलाऊँ। देखिए जी, अभी ये उड़ तो नहीं जाएगा आगे से। Shaded with
talking bullshit. It's hard to see you in your eyes. अच्छा ये बोट ने हमें उस कॉर्नर से लिया था और वहाँ से यहाँ तक ले आई है। ये बिल्कुल हमें भी लेक के सेंटर में है, ठीक है जी। और ये जो लेक है बहुत बड़ी लेक है, मतलब इसको आप पैदल चल के तो घूम ही नहीं सकते। ये जब आप पैराग्लाइडिंग करेंगे, जैसे पैराग्लाइडिंग हो रही है वो सामने ऊपर पहाड़ पे, वो देख रहे हैं पहाड़ पे, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है। अभी इस टाइम पे बंद हो गई है क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा वेदर जो है ना रेनी वेदर हुआ है, तो इससे भी तो इसलिए नहीं हो रही वहाँ पे इस टाइम पे। बाकी पानी आप देख सकते हैं लेक का, तो बहुत बड़ी लेक है, बहुत बड़ी ह्यूज। नहीं नहीं ये सीज़न ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे का नज़ारा, बोट में बैठे हुए हम लोग और बोट, ये देखें लाइव जैकेट पहनी हुई है, लेकिन ये लाइव जैकेट को इतनी पावरफुल है नहीं कि मुझे अगर खुदा ना खासा ये पानी में गिर जाए, पानी में डूब जाए तो ये बचा लेगी। लेकिन जगह देखें आप यार, और वो देखें सामने हमारे। है हमारे पास टाइम अभी भाई, जब आप यहाँ पर आए तो ये आपको मिलेगा, क्या नाम है, प्रदीप होगा यहाँ पे, ये बोटिंग करवाता है, बहुत अच्छा लड़का है, तो जब आए तो इससे मिलेगा आके। भाई कह रहा है कि ये अभी ये क्योंकि क्लाउडी वेदर की वजह से जो है ना, हम कह रहे हैं बहुत खूबसूरत है, कह रहे हैं बहुत लग रहा है, लेकिन अगर ये क्लाउड यहाँ पर ना हो तो ये पूरा आपको जो हिमालयन रेंज है सारा नजर आएगा। कह रहे हैं इस पहाड़ से भी ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं पीछे बड़े पहाड़ इससे ऊपर नजर आते हैं आपको सारे जो है ना, तो आज मगर हम लोगों को भाई बोट राइड हमारी ऑलमोस्ट हो गई, भी उतर के आपको सारे पैसे वैसे और एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं, लेकिन मज़ा बहुत आया। और भाई एक बैड न्यूज़ सुनने को मिल गई है कि पैराग्लाइडिंग के अंदर ना इतने वेट के साथ भाई नहीं जा सकता, बोल रहे जी इतना वजन आपको हवा नहीं बर्दाश्त करेगा, दूसरी दिशा में उड़ा देगा जी। हम लोग करके आ गए हैं अपनी बोट राइड। बोट राइड के हम लोगों ने नेपाली 950 नेपाली रुपीज़ दिए हैं हमने, जिसमें वो एक घंटे की राइड थी, जिसमें हम लोग सेंटर में लेकर गया, वहाँ पर एक मंदिर था और वहाँ पे हमने विज़िट किया। उसके बाद ये सेंटर से घुमा कर आप यहाँ वापस ले, अगर आपको ज़्यादा राइड चाहिए तो आप पहले उनसे बुक कर लें तो आपको पूरा टूर भी दे देगा। लेकिन ये कि अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन उन्होंने हमें बताया कि यार अभी क्लाउडी वेदर है, अगर क्लाउडी वेदर ना हो तो यहाँ पर आपको सारा जो है ना, सारी जो हिमालय रेंज है वो सब नज़र आती है, और इसकी जो रिफ्लेक्शन है ना वो इसमें पूरे पहाड़ों की जब सुबह मॉर्निंग होती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ती है, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो अभी हमारे रास्ते में वो नहीं आया, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है। इसकी असल ब्यूटी जो ऊपर के पहाड़ है ना इसकी वही है, जो इसके पीछे जो बड़े पहाड़ हैं जो बर्फ़ में ढके होते हैं, तो वो भी बादलों की वजह से नज़र नहीं आ सके, लेकिन वो जी यहाँ भी मोहब्बत का शरबत। एक हमारे भाई मोहब्बत के शरबत वाले कराची में भी हैं, यहाँ भी आ गए, वाह क्या बात है। अब इनसे बात करके देखते हैं कि ये बिठाते ही नहीं बिठाते हमें, लिप्टन के झूले याद आ गए इसको देखते हैं। सारा तो मुझे खाली नज़र आ रहा है, देखते हैं क्या सीन है इसका, ज़रा चल के देखते हैं। लिप्टन के झूले यहाँ भी, ये देखें जी लेक के बिल्कुल साथ है ये भी ना सारा, और ये वो वाली बोट आ गई है अब, जो आपने खाना खा के बैठे तो सब बाहर निकाल दें, और उसके बाद आ गया ये दुनिया का सबसे बड़ा झूला। अब लंदन नहीं जा सके तो यहीं बैठेंगे। मामा चे
बाहर से व्यू, और ये बाहर रहेगी जी लेक, रोक लिया यहाँ पे जी। हम लोग बैठ गए हैं ये व्हील के अंदर, बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। 300 रुपये की टिकट आई है मेरी और अदनान की, और डर लग रहा है खासा ऐसा बैठ के। ये आप लोगों को व्यू दिखा रहे हैं यहाँ से, कैसा व्यू लग रहा है। हम लोग ऊपर व्हील से आ गए हैं बैठ के, बहुत मज़ा आया, और अब हम आके बैठ गए ट्रेन में। हिल पार्क की ट्रेन याद आ गई वैसे। और जी हमारी ड्रैगन ट्रेन चल पड़ी है, हमारी चल पड़ी है। ऐसे ज़ाया हो गए, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। हम बैठ गए अभी इस बेल रिंग में बैठ गए, और अब ये है कि ये क्रॉस व्हील के नाम से है ये, इसमें बैठ गए। तो बोला सिंगल ही बैठना भाई, आप दो नहीं बैठना, दो वाला काम नहीं है आपका। मैंने कहा ओ सही हो गया, चल भाई आप लग रहा पकड़िए स्पीड इसमें। अब आया ये कुछ ज़रा स्पीड में, आप तो जी हम लोग झूला झूला अंदर से लेकर आ गए थे भाई, तो मज़ा आया बहुत, हम लोग काफ़ी इन्जॉय किया। अब ये कि यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, डेली शाम में हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना बारिश शुरू हो जाती है। तो ये ब्लॉग हम यहाँ पर एंड करते हैं, अभी पोखरा को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, और पैराग्लाइडिंग में तो नहीं जा सकते, पता कर लिए हमने, बोले भाई पैराग्लाइडिंग आप नहीं कर सकते। और कल हम जाएंगे केबल कार से ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद चितवन जाना है, चितवन के बाद फिर हम काठमांडू जाएंगे दोबारा। तो ये प्लान है, अभी आगे वीडियो देखते रहिएगा, इसको यहाँ पे एंड करते हैं जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।